भाजपा के राष्ट्रीय अधिवेशन पर गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर बात की है। इसके अलावा शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपलब्धियां गिनाई और ऐलान कर दिया कि 2024 में मोदी 3.0 आने वाले हैं। शाह ने कांग्रेस पर कहा, इन लोगों ने अपनी सरकार रहते कई घोटाले किए। शाह ने इंडिया अलायंस पर निशाना साधते हुए कहा, विपक्षी दलों का ये गठजोड़ सिर्फ 7 पारिवारिक पार्टियों का गठबंधन है, उसे सिर्फ अपने परिवार की चिंता है। शाह ने 56 मिनट के भाषण में 10 मुख्य बातों में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शासनकाल की तारीफें की है। मित्रों, इस देश के अंदर 2G, 3G और 4G पार्टियां हैं। 2G से मतलब आप 2G घोटाले से नहीं है, 2 जनरेशन पार्टी, 3 जनरेशन पार्टी, 4 जनरेशन पार्टी। 4-4 पीढ़ी तक नेता नहीं बदलता है, 4-4 पीढ़ी तक नेता नहीं बदलता है। क्यों भाई? देश के किसी युवा में कौवत नहीं है, वो आगे नहीं बढ़ सकता। ना जी, वो नहीं बढ़ सकता। थोड़ा आगे बढ़ गया तो उसका हश्र कर देंगे। कई सारे लोग ऐसे हश्र किए हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर आज लोकतंत्र की यात्रा में जुड़े हैं। तेजस्विता का, परफॉर्मेंस का, विचार का, परिश्रम का और दृष्टि का वहां कोई महत्व नहीं है। वहां केवल और केवल आप कहां जन्मे, इसका महत्व है। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज। हर पल, हर क्षण, हर सच।